पानीपत शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी के संयोजन में पानीपत शहर के फतेहपुरी चौक से विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली को शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी सुरेंद्र रेवड़ी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली शहर के सलारगंज गेट, इंसार बाजार, अमर भवन चौक से होते हुए शिवाजी स्टेडियम में समापन हुई। इस दौरान विधायिका रोहिता रेवड़ी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा हमले को जवाब देते हुए अभिनंदन की रिहाई भी करवाई है तथा हर मोर्चे पर विकास करवाया है, उससे 2019 में भाजपा की जीत तय है। वहीं जोश आज की विजय संकल्प रैली में दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा नेता गजेंद्र सुलेजा ने भी बात करते हुए बताया, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा जो कि बाइकों के माध्यम से हम पूरे देश भर में निकालने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेने वाला है। 2014 जिस तरह हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, मिशन 2019 उसी उम्मीदों के साथ हर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है क्योंकि जनता में सरकार की नीतियों, सरकार की कार्यशैली के प्रति पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ साथ हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही अपने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए उसका जो पुलवामा का बदला लिया है और उसके साथ साथ जो हमारे कमांडर जो पाकिस्तान से वापस आए हैं इसके लिए ये एक यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें फिर से एक बार मोदी सरकार की नैब नारे के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर जयघोष करेंगे और अपनी पूरी विधानसभा में जनता का नमस्कार करते हुए, उनका अभिनंदन लेते हुए और देते हुए अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। मिशन 2019 की तैयारी के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर विधानसभा में ये बाइक रैली का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। अब की बार फिर मोदी सरकार 400+ सीटों के साथ।